हेलो डी स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से वेलकम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सीरीज अपन लेके चले थे, आज उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले के जो वीडियो लेक्चर थे, जिसमें आपने दो डिवाइस डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, और उनमें अपने डिफरेंस क्रिएट किया था। उनके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे वो भी आपने डिस्कस किए थे। उसी सीक्वेंस में अपन आगे चलते हुए आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज की क्लास में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चल है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ जो पोटेंशियल वर्ड आ रहा है, आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, तो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज सेपरेशन जब होता है, चार्ज का जब सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन का मीनिंग यहाँ पे किससे है, सपोज कोई मेटल का रोड होगा और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, उस कंडीशन में वहाँ चार्जेस का सेपरेशन होगा। इलेक्ट्रोड या जो मेटल का रोड है, जिसको एज ए इलेक्ट्रोड अपन काम में लेंगे, और उस कंडीशन में वहाँ पोटेंशियल क्या हो जाता है, क्रिएट। तो चार्जेस का जब सेपरेशन होता है तो पोटेंशियल डेवलप होता है। चार्जेस का क्या होता है, सेपरेशन, तो क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल। आइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो सारी हिस्ट्री है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने जो डायग्राम अपने लिया है, जिसका रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा, ये आप देख पा रहे होंगे, जिसमें यहाँ एक जिंक का रोड लिया गया है, और ये जिंक का रोड यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। देख पा रहे हो आप, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और रिलीज करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो एनोड टू किधर ट्रेवल कर रहे हैं, कैथोड। और आपको ये सेल देखकर पता लग गया होगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन में दिख पा रहा होगा। इस सेल की अगर अपन बात करें, तो यहाँ क्या हो पा रहा है, जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, रिलीज कर रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं एनोड टू कैथोड, यानी जिंक टू कॉपर रोड। अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो पा रहा है कि ये जो जिंक के एटम हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। Zn+2 के फॉर्म में ये सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और इस सॉल्यूशन को कैसा, देख पा रहे हैं आप, ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन पा रहा है यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो यहाँ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और ये रोड कैसे बन गई है, नेगेटिवली चार्ज। ये चार्ज सेपरेशन है, इससे कोई अपन क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्जेज। इससे कोई आप क्या बोलोगे, चार्जेज का सेपरेशन। यहाँ क्या हुआ है, ये जो मेटल की रोड है, इसने जो जिंक का रोड था, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, और रिलीज करने के बाद में आप बोल सकते हो कि सर यहाँ प्लस चार्ज बढ़ गया है, और रोड पे कैसा चार्ज बढ़ गया है, नेगेटिव चार्ज, और यही चार्ज का सेपरेशन है। और ऐसा होने से क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, आप उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इसको हिंदी मीडियम के अगर कोई बच्चे देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सारा हिस्ट्री अपन अभी आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये मेटल का जो रोड दिख रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इस सॉल्यूशन को ये पॉजिटिवली चार्ज बना रही है, और रोड कैसा है, यहाँ पे रोड पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपॉजिट हो रखे हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, यही चार्ज का सेपरेशन है। और इस चार्ज के सेपरेशन से यहाँ कोई ना कोई पोटेंशियल क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। आप उस पोटेंशियल को इस इलेक्ट्रोड पे क्रिएट किया है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप इस सेल को देख पा रहे होंगे, इस सेल में आपको ये भी पता होगा कि यहाँ एनोड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन की। एनोड पे जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस रोड की अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो कॉपर आयन होते हैं वो रोड पे जाके चिपक रहे हैं। कॉपर आयन जो है वो किधर जा रहे हैं, रोड पे, और क्या ले रहे हैं वो, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी चार्ज का जो सेपरेशन हुआ है कैथोड पे, उसकी वजह से कैथोड पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेज, चार्जेज के सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा, ये आप माइंड में सेट कर लें। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ है कि यहाँ नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कैसे बना है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, इसका क्या हुआ है,
ऑक्सीडेशन, और ये प्लस माइनस का जो सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बन गया और रोड कैसा हो गया यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, चार्जेस का सेपरेशन होने की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ऑक्सीडेशन होने की वजह से, आप उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन होने की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, यहाँ की अगर अपन बात करें, इस रोड को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या सीन आपको दिखाई पड़ रहा है कि कॉपर जो है उसका क्या हुआ, कैथोड पे रिडक्शन। यहाँ क्या प्रोसेस देखने को मिल रही है आपको, रिडक्शन की। रिडक्शन अगर हो रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि सर ड्यू टू रिडक्शन यहाँ जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है चार्ज सेपरेशन की वजह से, आप उस पोटेंशियल को क्या बोल सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल। अपन उस पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन होने की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है चार्ज सेपरेशन से, उसको आप क्या बोल सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पे चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर अपन इस सेल को अलग अलग करके डिजाइन करें हाफ सेल के फॉर्म में, आप पहले इस एनोड वाला जो केस था जिसको एक हाफ सेल बोल सकते हो, आप इसको सेपरेट करें, और ये जो कैथोड का एक हाफ सेल था इसको अपन सेपरेट करें, तो वहां ऑक्सीडेशन होगा इस सेल पे, तो आप उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलोगे। रिडक्शन वाला जो सेल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। और यहाँ ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला है, या रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसको अपन ने क्या बोला है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप इस दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करके कंप्लीट सेल डिजाइन कर देते हैं, जिससे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि ये एक हाफ सेल था और ये कैथोड का हाफ सेल था, जहां ऑक्सीडेशन था और यहाँ क्या था, रिडक्शन था। अगर आप इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करके एक पूरा सेल डिजाइन कर लेते हैं, तो आपके पास, अगर आपसे मैं पूछूं कि कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जिसको आप बोल सकते हो ई सेल, क्या बोल सकते हो, ई सेल। ई सेल की अगर अपन बात करते हैं तो कंप्लीट सेल का पोटेंशियल किसके गोल आएगा, अगर यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ये बोलोगे सर यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, यहाँ रिडक्शन हुआ है तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। और दोनों हाफ सेल को आपने कनेक्ट करके अगर एक कंप्लीट सेल डिजाइन कर लिया है, तो कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, ई सेल, या आप इसको क्या बोल सकते हो, ईएमएफ ऑफ सेल भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो ई सेल में आपसे पूछो किसके इक्वल आएगा, पूरे कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल है, ई सेल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सेल पोटेंशियल। ई सेल का मीनिंग यहाँ पे किससे है, सेल पोटेंशियल, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल। तो आप ये बोल सकते हो कि सर कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल आएगा किसके, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के। बोल सकते हो ऐसा कि कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल आएगा, जो हाफ सेल आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है, चलो कंटिन्यू करते हैं, बीच में वो थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया था तो एसी को बंद किया है, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो अपन बात करें सेल पोटेंशियल जो होगा ई सेल, जिसको यहाँ पे बोला गया है कंप्लीट सेल का पोटेंशियल, वो किसके इक्वल आएगा, आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हाफ सेल का था और रिडक्शन पोटेंशियल जो सेकेंड हाफ सेल का था। अगर आप दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करके कंप्लीट सेल डिजाइन कर देते हैं, तो कंप्लीट सेल का पोटेंशियल आप कहोगे सर
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को अपन क्या कर दें, ऐड कर दें, तो कंप्लीट सेल का क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल निकल के आएगा। बोल सकते हो सही। तो यहां आपसे पूछा जाए कि ई सेल क्या चीज है, सेल पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को अगर अपन ऐड कर दें तो वो कंप्लीट सेल का क्या आएगा, पोटेंशियल। ओके चलो इसी फॉर्मूले को आगे अपन थोड़ा डिराइव करते हैं। अपन बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो अपोजिट होता है किसके, माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। बोल सकते हो आप ऐसा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होंगी वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ई ऑफ ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है वो आप इक्वल बता सकते हो माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ओके तो इस फॉर्मूले की अगर अपन बात करें आगे, इसको आप डेराइव अगर कर रहे हो तो ई सेल इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, यानी यहां ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखना ई सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल जो पॉजिटिवली चार्ज था, और यहां अपन क्या बात कर रहे हैं, माइनस ई ऑफ इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह क्या रख सकते हो, माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अरे यस की नो, यहां बात की जा रही है, देखना ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो एनोड का था, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो कंडीशन थी वो किसके लिए अपन काम में ले रहे थे, एनोड का। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, एनोड पे। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो रिडक्शन कहाँ हो रहा था, कैथोड पे। बोल सकते हो आप ऐसा, तो आप ई सेल इक्वल टू क्या रख सकते हो, ई ऑफ एनोड प्लस ई ऑफ कैथोड। एनोड पे कौन सी प्रोसेस थी, ऑक्सीडेशन की, और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस था, रिडक्शन का। ओके बोल सकते हैं अपन ऐसा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो इस फॉर्मूले के बारे में, आपके सामने क्या निकल के आया, ई सेल किसके इक्वल आया, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो किसका था, कैथोड का। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो किसका था, कैथोड का। माइनस ये जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो किसका था, यानी यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एनोड का था उसकी जगह आपने क्या रखा है, माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो बताओ ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका है, एनोड का। ये बात समझ में आई क्या, अरे यस की नो, ये फॉर्मूला निकल के आया आपके सामने। आपकी एनसीईआरटी इसी फॉर्मूले को फॉलो करती है। एनसीईआरटी की अगर अपन बात करते हैं तो यही फॉर्मूला वो क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। वापस देखना एक बार ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया, रिपीट कर रहा हूँ एक बार देखना सारे। बात करते हैं अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है चार्ज सेपरेशन की वजह से। चार्ज सेपरेशन का मतलब किससे है, कि मेटल का कोई रोड होगा या कोई इलेक्ट्रोड आपने लिया है तो वो या तो ऑक्सीडाइज होगी या फिर क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, उस कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से इस पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया और यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट हो गया। ये चार्ज जो सेपरेशन हुआ है उसकी वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, अपन ने उसको बोल दिया ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये एनोड भी क्रिएट हुआ है तो आप इसको एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। सेम केस यहाँ पे, यहाँ कैथोड पे क्या सीन देखने को मिला, यहाँ रिडक्शन हो रहा था तो अपन ने यहाँ जो चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल था और उधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। और फिर अपन ने ये बोला कि अगर अपन इन हाफ सेल को कनेक्ट करके ये कंप्लीट सेल अगर अपन डिजाइन कर देते हैं तो कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल आएगा, जिसको आप ई सेल बोलोगे, आप उसको क्या बोल सकते हो, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, आप खुद से इमेजिन करो कि ये हाफ सेल था और ये हाफ सेल था, इनको कनेक्ट करके आपने कंप्लीट सेल डिजाइन कर दिया है, तो इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल आएगा, ऑब्वियस ही बात है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इसका रिडक्शन पोटेंशियल।
दोनों के जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, उनको अपन जोड़ देंगे तो कंप्लीट सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने बोला सर ई सेल जो होगा वो किसकी इक्वल आएगा, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई प्लस ई ऑफ ए रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो किसका था, एनोड का, और ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कैथोड का। इसी सीक्वेंस की अगर अपन बात करें आगे तो आपको ये, आप ये बोल सकते हो कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि किसी सेल का ई ऑफ ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो सपोज है कितना, 0.34 वोल्ट। सपोज आपके पास कोई सेल है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट, और आपसे पूछ क्या रहा है, अगर किसी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपोजिट होता है किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना बताओगे, -0.34 वोल्ट। अरे यस कि नो बोल सकते हो कि ये बात, अपन ये बात बोल सकते हैं क्या? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो अपोजिट होता है किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। तो आप E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू क्या रख सकते हो, माइनस E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस E ऑफ ए रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखना इसी फॉर्मूले को आगे अपन डिराइव करते हैं। ये प्लस का जो E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल था इसको आपने पहले रख दिया और ये किसका शो हो रहा है वहां पे, कैथोड का। ओके, ये जो पॉजिटिवली चार्ज था कैथोड वाला इसको अपने यहां रखा है। इसके बाद में यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एनोड का था इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, माइनस ई ऑफ ए रिडक्शन पोटेंशियल, और ये रिडक्शन पोटेंशियल आपने रखा है एनोड की जगह, तो ये किसका होगा, एनोड का। प्लस था यहां पे, इसको आपने पहले रख दिया, और यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल था, माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के। तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आया, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और आपने देखा होगा कि जब आप उस सेल को डिजाइन करते हो तो लेफ्ट साइड में क्या पुट किया था आपने, एनोड, और राइट साइड में क्या था, कैथोड। यानी ये जो कंडीशन है वो किसकी है, ई ऑफ राइट, E of A, right, right side में क्या था, cathode, और ये जो condition है वो क्या है, E of A, left। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, E of A, cell। तो मैं आपसे पूछू इस फॉर्मूले को देखकर कि किसी सेल का जो पोटेंशियल होगा, किसी सेल का जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल आएगा, आप बोल सकते हो सर कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होगा क्या, ई सेल। किसी सेल का पोटेंशियल किसके इक्वल आता है, कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल आता है। ये इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आ रही है, ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे आगे। देख पा रहे होंगे आप कि किसी सेल का जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल आएगा, कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होगा, डिफरेंस होगा। कैथोड और एनोड का जो अपचयन विभव होगा उसका क्या होगा, ये डिफरेंस होगा, कौन, ई सेल। तो ये फॉर्मूला आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार बैक करें और पूरा जो मैंने आपको बोल के बताया है उसको आप समझें और देखें कि यहाँ ये फॉर्मूला कैसे निकल के आए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी सेल का पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, उस सेल के कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। देखना ये भी रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड और एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, ई ऑफ ए सेल। अरे यस कि नो बोल सकते हो ऐसा। बात करते हैं आगे, इसी की स्टडी अपन कर रहे हैं, आप ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज भी आने वाला है। ओके, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होते हैं, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर अपन बात कर रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो किसके इक्वल आएगा, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मोस्टली दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल समझ गए होंगे, चार्ज सेपरेशन की वजह से। चार्ज सेपरेशन का मतलब मेटल का जो रोड था, एक केस में ऑक्सीडाइज हो रहा था और एक केस में
रिडक्शन हो रहा था उसका, तो वहां चार्जेस का सेपरेशन हुआ और चार्जेस के सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसको अपन ने क्या बोला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें, एक तो आपके पास होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोल रहे हैं इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक अगर अपन बात करते हैं सेकंड केस में, तो आपके सामने आएगा नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की बात यहां पे की जा रही है कि सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या है और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग यहां पे किससे है। अगर आपके पास ये कंडीशन फॉलो हो रही है जो अभी आपके सामने आ रही है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन, प्रेशर कितना हो 1 bar, प्रेशर कितना हो 1 bar, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो 1 M। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 bar, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 1 M का मतलब क्या है 1 mole per liter। उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होगा वो क्या बात बता रहा आपको, ये कंडीशन फॉलो अगर नहीं है, टेम्परेचर कितना नहीं है 298 केल्विन, नॉट इक्वल टू कितना है 298 केल्विन, प्रेशर कितना नहीं है 1 bar, प्रेशर कितना नहीं है 1 bar, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, यानी प्रेशर 1 bar के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 bar, और बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन कितनी नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 M। इस केस में जो पोटेंशियल होगा उसको बोला जाएगा क्या, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वहां पे पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, बात करते हैं सर इनका कैलकुलेशन अपन किसकी हेल्प से करेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ये जो पोटेंशियल है स्टैंडर्ड केस में, ये अपन काउंट करेंगे बाई द हेल्प ऑफ सी, सी आपने पढ़ा भी होगा, इसका सारा मैकेनिज्म अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। सी का मीनिंग किससे है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो अपन किसकी हेल्प से काउंट करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। और ये अगर ये कंडीशन है जिसको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया है, ये अपन काउंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। जो नर्नस्ट इक्वेशन होगी या जो नर्नस्ट इक्वेशन होगा उसकी हेल्प से आप कौन सा पोटेंशियल काउंट करोगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वहां पे पोटेंशियल को क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोला जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो किसकी हेल्प से काउंट करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा उसकी हेल्प से। अपन अभी जो सीक है उसका सारा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी हेल्प से काउंट करता है, सी की हेल्प से। सी यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और नॉन स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो किसकी हेल्प से काउंट किया जाएगा, नर्नस्ट इक्वेशन, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात करते हैं कि सर ये सी क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको बोला गया यहाँ पे। ये जो सी है इसका सारा मैकेनिज्म अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने इसका डायग्राम आ रहा है। जो अपन बात कर रहे हैं किसकी, सी की। ओके, देखना इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे, आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, अरे पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, बात की जा रही है किसकी, सी की,
किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। ओके, ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोड। आप इस सी को देख पा रहे होंगे, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोड। देखना इस सी में क्या खास बात है, थोड़ा सा समझेंगे। और आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन आपके सामने अभी अपने डिस्कस किए थे, अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तो वहां काउंट किया जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो अपन काउंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सी। सी यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करेंगे। देखना आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक क्या होता है, ग्लास का एक बिकर होता है, इस बिकर में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज लिया गया है, और यहाँ से 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे आपको हाइड्रोजन गैस क्या करनी है, फील करनी है, और यहाँ प्लेटिनेटेड एक इलेक्ट्रोड डीप किया हुआ है। और आपको मैं बता देता हूं कि ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो 0 रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में माना गया था, ह्यूमन मेड था। अपने आप खुद से सोचो कि जो आपने अभी सारा मैकेनिज्म पढ़ा है, जिसमें लेफ्ट साइड में आपके पास एनोड था, राइट साइड में आपके पास कैथोड था, और आपने दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करके कंप्लीट सेल डिजाइन किया था, और उस कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल था वो किसके इक्वल आ रहा था, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कैथोड और एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस था वो एक पूरे सेल का पोटेंशियल था। बट उस पोटेंशियल को आप किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे काउंट कर पाओगे, तो उसके लिए देखो क्या किया गया, एक ऐसा डिवाइस सिलेक्ट किया गया जिसमें एक हाफ सेल के फॉर्म में आप इस डिवाइस को काम में लोगे, और इस डिवाइस का जो इलेक्ट्रोड या जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है हाइड्रोजन को, यहाँ फील हाइड्रोजन की बात यहाँ पे की जा रही है कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में इसको काम में लिया गया है, ह्यूमन मेड है, इसको माना गया है कि आप हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको कितना काउंट करो, 0 वोल्ट। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना मान लो आप, ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको ई नोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नोड से। तो देखना ये जो आप डिवाइस देख पा रहे हो, ये एक हाफ सेल के फॉर्म में इसको यूज लिया गया, और यूज लेके इसके साथ में क्या कनेक्ट किया गया, दूसरा हाफ सेल। सपोज ये एक हाफ सेल है, और इस हाफ सेल से अपन क्या कर रहे हैं, यहां एक आप वोल्ट मीटर यूज ले सकते हो, सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, और यहां एक दूसरा हाफ सेल क्या किया गया, डिजाइन किया गया। यहां क्या किया गया, एक सेकंड हाफ सेल है। सपोज यहां जो अपन हाफ सेल डिजाइन कर रहे हैं, इसमें एक रोड लिया आपने, और सपोज ये जो रोड है वो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कॉपर का रोड, कॉपर सल्फेट की विलयन में, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें डीप किया हुआ है, यानी हाफ सेल लिया आपने यहाँ पे, और ये कॉपर की रोड है, इसको आपने इससे क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ओके, अब यहां क्या सीन देखने को मिलेगा, ये हाफ सेल जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड केस में हाइड्रोजन का वो कितना है, 0 वोल्ट, और दूसरा हाफ सेल है, दोनों को अपन ने आप सॉल्ट ब्रिज से दोनों को क्या करके रखोगे, कनेक्ट करके रखोगे, बोल सकते हो आप ऐसा। और इसकी हेल्प से क्या किया गया, ऐसे हाफ सेल रखे गए, ये लेफ्ट साइड में काम में लिया गया और ये राइट साइड में, यानी एसएचई किधर यूज लिया गया, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या किया गया, एक दूसरा हाफ सेल लगाया गया जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको काउंट करना है। सपोज कॉपर का हाफ सेल यहां पे यूज लिया गया, तो आप खुद से थोड़ा इमेजिन करो कि अगर ये जो हाफ सेल है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो यहां जो रीडिंग आएगी, यहां पे जो रीडिंग आपको देखने को मिलेगी
वो कौन से सेल की मिलेगी, यहां जो आपने क्या लिया है सेकंड हाफ सेल यूज लिया है। तो ऐसा करके क्या किया गया, यहां हाफ सेल कनेक्ट किए गए और सारे हाफ सेल का क्या निकाला गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ रहा है क्या समझ में? अरे इसका जीरो मान लिया, ये SHE है, इसका जीरो वोल्ट ह्यूमन मेड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, आपको ध्यान रखना है। ये माना गया है कि आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो ले लो और इसके साथ में जो यहां दूसरा हाफ सेल आप कनेक्ट करोगे, यहां जो रीडिंग आएगी वो इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करेगी। अरे यस कि नो? ऐसा करके सारे हाफ सेल इसके साथ में कनेक्ट किए गए और जिंक हो, कॉपर हो, प्लेटिनम हो, लिथियम हो, फ्लोरीन हो, जो भी हाफ सेल है आप उसका क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन से केस में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपसे पूछे कि SHE का फंक्शन क्या है, यहाँ पे एक तरफ SHE यूज लिया गया और एक तरफ क्या लगाया गया, वो हाफ सेल जिसका पोटेंशियल आपको काउंट करना है स्टैंडर्ड केस में, जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया है। तो आप खुद से इमेजिन कर सकते हो कि अगर इसका जीरो वोल्ट है तो यहां रीडिंग जो आएगी वो इसी सेल की आएगी और उस सेल का वो क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऐसा कर करके यहाँ हाफ सेल कनेक्ट किए गए और इधर लेफ्ट साइड में क्या लगाया गया, SHE। और ऐसा कर कर करके क्या हुआ, अपन सारे जो भी सेल होंगे उनका क्या काउंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको आज का जो लेक्चर था जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने काउंट किया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो मैकेनिज्म आपने डिस्कस की है उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सर पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग यहाँ पे किससे निकल के आता है, अरे चार्जेज का जब सेपरेशन होगा तो पोटेंशियल क्रिएट होगा। और यहां कुछ ऐसा ही सीन होगा कि ऑक्सीडेशन जब और रिडक्शन जब होते हैं तो चार्जेस का सेपरेशन होता है, तो यहां कोई ना कोई पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको क्या बोला गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है चार्ज सेपरेशन की वजह से उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और एक पूरे सेल की पोटेंशियल की बात की जाती है तो आप बोल सकते हो कि सर इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को अगर अपन जोड़ दें, ऐड कर दें, तो कंप्लीट सेल का पोटेंशियल आपके सामने आएगा और उसको क्या बोला जाता है, ई सेल या सेल पोटेंशियल बोल सकते हो। और वो जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था जिसमें अपन ने ये बोला है कि किसी सेल का जो पोटेंशियल होता है, किसी सेल का जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, कैथोड और एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस के इक्वल होता है। किसी सेल का पोटेंशियल कैसे काउंट करोगे, कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोला गया है, सेल पोटेंशियल बोल सकते हो। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी रख सकते हो, ये राइट साइड में था और ये लेफ्ट साइड में था। ओके तो बात करते हैं, फिर अपने डिस्कस किया था कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो दो टाइप से होता है, एक तो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक कौन सा होता है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाती है कि सर क्या मीनिंग होता है इनका, तो आपने बोला था कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल था वो किसकी हेल्प से काउंट करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। और यहां आपको ध्यान रखना है ये जो कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही है तो वहां जो सेल का पोटेंशियल होगा या सेल का जो ईएमएफ होगा वो किसकी हेल्प से काउंट करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। अपन पहले इस पे काम करने वाले हैं कि ये जो SHE है इसका मीनिंग क्या था, अभी आपने डिस्कस किया था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था जिसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो माना गया और उसके साथ में क्या किया गया, हाफ सेल कनेक्ट किए और कनेक्ट करने के बाद में अगर आप एक SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर जीरो काउंट कर रहे हो तो उसके साथ में जो हाफ सेल कनेक्ट होगा उसकी रीडिंग आपके सामने आएगी और वो उसका कौन सा होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज की क्लास में इतना ही, देखते रहे हमारे वीडियोज और इन बच्चों को, इन वीडियोज को आप उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे कोचिंग अफर्ट से नहीं कर सकते। थैंक यू।